हेलो एवरीवन, आई एम सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी स्टैंडर्ड 3। बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 14 पढ़ाई थी, जिसका शीर्षक था भारत हमारा देश भारत। मैं इसमें आधा ही कहानी आपको पढ़ाई थी, आज मैं उस कहानी को पूरा करूँगी। आपने अभी तक इसमें पढ़ा था भारत के बारे में कि भारत की भाषा कैसी है, भारत में कितने किस तरह के लोग रहते हैं, किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ वैदिक धर्म की को लोग मानते हैं, वेदों की संख्या 4 है, ये सब मैं पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इस कहानी को पूरा करेंगे। आप जैसा कि जानते हो कि हमारे देश का नाम भारत है, भारत देश हमारे यह प्राचीनतम देश है। इसमें कहीं विशाल पर्वत है तो कहीं कलकल करती नदियां हैं, लहलाते खेत, हरे भरे खेत, सोना उगलती हैं। तो आज बच्चों, आगे हम उस कहानी को लेके चलते हैं। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। इसमें क्रमशः केसरिया, सफेद और हरा रंग है। बीच में अशोक चक्र है, हमारे देश का अशोक चक्र है। बच्चों, किसी भी देश का ध्वज जो होता है वह उसका उस देश का प्रतीक होता है, उसकी उस देश का गौरव होता है। तो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, या 3 रंगों से बना हुआ है। बच्चों, ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच की पट्टी सफेद और नीचे की पट्टी हरे रंग की होती है। ये तीनों पट्टियों का अलग अलग महत्व है। केसरिया रंग हमें बल और साहस का ज्ञान कराती है, साहस सिखाती है। सफेद रंग सच्चाई के रास्ते पर चलने का के लिए कहती है, और हरा रंग हमारे देश की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। और इसमें जो एक सफेद पट्टी में एक ब्लू रंग से नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है बच्चों, जो 24 घंटे यानी कि समय को दर्शाता है, जिसमें हमें अपने आपको 24 घंटे निरंतर कैसे आगे की ओर बढ़ते रहना है, ये चक्र हमें दर्शाता है। बच्चों, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय पशु बाघ है। मोर सबसे खूबसूरत पक्षी हो, पक्षियों में सबसे खूबसूरत पक्षी मोर को कहा गया है, इसीलिए मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और पशु बाघ है। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष होने का गौरव प्राप्त है। बरगद का पेड़ जो है, जिसको बनियान ट्री कहते हो, वह बरगद का पेड़ जो है, यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होने का गौरव प्राप्त किए हुए है। भारत में अनेक राज्य हैं, इन राज्य की अपनी अपनी भाषा, वेशभूषा, खान पान और रीति रिवाज हैं। आज सभी राज्यों के रीति रिवाज और खान पान देश के हर कोने में फैल गए हैं। बच्चों, हर आदमी एक दूसरे प्रदेश के भोजन को के बारे में जानता है, खाता है, पीता है। और जैसे पंजाब में मक्के की रोटी, सरसों का साग, उसी तरह बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान चले जाओगे तो वहाँ का दाल बाटी चूरमा, ये सब दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो इडली डोसा का प्रचलन है। तो ये सारे व्यंजन जो हैं वह सभी को पूरे भारतवर्ष में लोग खाते हैं, पसंद करते हैं। अब बच्चों, दक्षिण भारत का नृत्य उत्तर में और उत्तर भारत का भांगड़ा दक्षिण भारत में दिखाई दे जाता है। इस प्रकार उत्तर भारत की दाल रोटी दक्षिण पहुँच गई है, और दक्षिण की इडली डोसा उत्तर के सभी लगभग सभी राज्यों में हमें मिल ही जाते हैं। इस तरह अनेकता में एकता भारत का सबसे बड़ी विशेषता हुई। तो हम कहते हैं कि हमारा देश भारत में लोग अनेकों जाति, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन में अनेकता होते हुए भी हम सब एक हैं। यही हमारे भारत की पहचान है, यही हमारे भारत की विशेषता है। भारत बड़ा ही सुंदर देश है बच्चों। यहाँ हर 2 माह के बाद ऋतु बदल जाती है, ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है। संसार में भारत
ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी 6 ऋतुएं आती हैं। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। यहाँ के हरे भरे वनों से ढके पर्वत और तरह तरह की फसलों से भरपूर मैदान मैदान दिखाई देते हैं। झरझर बहते झरने और तरह तरह के फूल इस देश की विशेषता है बच्चों। भला इतनी विशेषताओं वाले देश के निवासियों को गर्व क्यों नहीं होगा? यही कारण है कि देश का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान अपने देश पर गर्व करता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी में देखा कि हमारे देश भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे देश भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। सभी वेशभूषा, भाषा अलग होने के बावजूद भी हमारे बीच एकता बनी हुई है। हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, हर 2 महीने के बाद ऋतु बदल जाती है। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता है। इतनी सारी विशेषताएं होने पर बच्चों, क्यों ना हमें अपने भारत पर गर्व हो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा देश भारत महान है। तो आज बच्चों, हम लोग इस कहानी को पूरा कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग ये प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।